कई ना रे कई ना मर गजब के ते कई ना। वो गाना में मैं सबसे पहली छत्तीसगढ़ी वीडियो बनाऊँ और वो में मोला जनता के खूब सारा सपोर्ट और प्यार मिली जिला देख के मैं बहुत खुश हूँ। नमस्कार, जय जोहर संगवार जी हो, मैं दिलीप कुमार। अब आप मन देखा तो आपके अपन चैनल मोन मितान के खास कार्यक्रम हमर सगा। जी हाँ संगवार जी, हमर सगा में हमर बीच में हबे हमर छत्तीसगढ़ के सीजी क्वीन टिकटॉक स्टार। हालांकि ये भी टिकटॉक जो है हमारे इंडिया में बैन हो चुके हैं और लगातार जो है सीजी क्वीन यानी कि काजल श्रीवास जी है जो अभी छत्तीसगढ़ी एल्बम जगत में जो है अपन लगातार जो है काम करा थे। कई सारा इनका एल्बम आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े सुपर स्टार मन के साथ काम कर रहे हुए हैं और अभी हाल ही में इखर मन के खुद के प्रोडक्शन हाउस भी चालू होने वाला है। तो उखर मन से हम गोट बात करबो और चर्चा करबो इखर संगीत लाइन में कैसे आना हुई, कैसे इखर सफर के शुरुआत हुई, सारा चीज़ लेके हम गोट बात करबो काजल श्रीवास जी से हमारे सगा कार्यक्रम में। तो काजल जी, आप मन का तो सबले पहले मोर मितान चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। काजल जी, सबले पहले तो आप मन हमारे दर्शक मन ला बताओ कि आपके जन्म तिथि कब के है और आपके रहना कहाँ होते हैं। काबर की दर्शक मन है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इला जानना चाहते कि हमारे जो स्टार है वो कहाँ के हरे, कब की जन्म तिथि है, इसी पे जाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शक मन बताओ। तो मैं यहाँ बेसिकली भिलाई के रहिया हर हूँ, भिलाई में रहता हूँ और मोर जन्म तिथि 26 जून 1998 कह रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो, हाँ पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग मोर कंप्लीट होने वाला है, मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो काजल जी, आप मन के जैसे ये शुरुआत कैसे हुई, जैसे टिकटॉक तो हालांकि अभी इंडिया में बैन हो चुके हैं, टिकटॉक से आप मन के शुरुआत हुई इस मोर ख्याल से, तो कौन से जो गाना रिलीज हुई, कौन सा वीडियो रिलीज हुई तेखर से आप मन शुरुआत करे है और कौन सा वो वीडियो हरे जो आप मन ला पहचान दिले इसे। तो सबले पहले तो बताना चाहूँ कि मोला कोई आइडिया नहीं रही कि मैं ए लाइन में कभी जाऊँ। मोर यही रही कि मैं इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियर बनना है और वो लाइन में हो भी मैं, हाँ वो में कोई डाउट नहीं, मोर फाइनल ईयर चल रहा थे। तो जब टिकटॉक आई से तो एक साल तक मोला कोई आइडिया नहीं रही कि हमारे भारत में टिकटॉक जैसे कोई ऐप है जैसे हम वीडियो बना सकन। मोला बहुत एक साल डेढ़ साल बाद पता चली से, तो मैं फिर अपन फ़ोन में इंस्टॉल कर रही हूँ और फिर आईडी बना के मैं भी बनाए कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब बनाते रहो तो एक दो महीना मैं प्राइवेट में ही रखूँ, मोला लगे कि पसंद नहीं करी का करके। पर मोर जो साथी रही से, मोर भाई मन रही से, मोल बहुत अप्रोच करी से फैमिली मन कि बनाए कर करके। तो फिर प्राइवेट से मैं यहाँ फिर सोशल मीडिया में डाले के चालू करे हूँ, तो दो तीन वीडियो तो नॉर्मल रही से, फिर चौथा पांचवा जो वीडियो रही से वो मैं सीजी में बना हूँ। हाँ मतलब उस टाइम पता चली से कि सीजी में भी एक गाना में हम टिकटॉक में बना सकते हैं करके, तो मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि मैं भी अपन सीजी के भाषा में काबर ना बनाऊँ। तो मैं सीजी के जैसे ही भाषा बनाऊँ, वो जो एक बहुत खूबसूरत गाना है कई ना रे कई ना मर गजब के ते कई ना, वो गाना में मैं सबसे पहली छत्तीसगढ़ी वीडियो बनाऊँ और वो में मोला जनता के खूब सारा सपोर्ट और प्यार मिली जिला देख के मैं बहुत खुश हूँ। ओकर बाद मोर जब भाई मना मोला फोर्स करी से अब बनाना चाहिए, तो वो मना कैमरा में मोर शूट करे, तो ऐसी बनात गए हो। तो करीब अभी टिकटॉक में हालाँकि मोर 200 करीब वीडियो बन चुके रही से मैं, हाँ एक साल हो गया इस मोला यूज़ करत। और हाँ बाकी चला थे टिकटॉक बैन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी इस मोर ले बहुत अच्छा रही से, जो भी जैसे भी हुई इस मोला बहुत अच्छा करके गी से वे। कहीं ना कहीं आप मानते हो कि टिकटॉक जो है आप मोला पहचान दिला है, मान के हाँ चलो। हाँ तो वो तो है, वो मोला पहचान जरूर दिला है, और वो नहीं रहती से शायद आज मोला कोई नहीं जानती, मैं भी ऐसी रहते हूँ मोहल्ला बस में जाने वाली बात कह जाते हो। शुरुआत कौन से ईयर में, जैसे 2019 में अप्रैल में चालू कर रहा हूँ, अप्रैल में चालू कर रहा हूँ। तो हमारे भिलाई में मीटअप रही से भी, जैमें एक दो जन से मोर फ्रेंडशिप हो रही से भी, उमर मोला इन्वाइट कर रही से मीटअप में, तो मैं गए हूँ तो बहुत सारा खूब सारा मोर फ्रेंड्स बनी से नया, और मैं देखे हूँ तरीका कि ऐसे ऐसे टाइप के वीडियोज़ बनाते सब। पहले तो मैं सिंगल ही बनाते रहे अकेले, फिर ग्रुप्स में बनाए चालू कर रहा हूँ, कभी कभी मोला समय मिले तभी बना पाऊँ, ऐसे में सिर्फ टिकटॉक बनाना है करके मैं कभी समय नहीं दे पाते हूँ। काबर कि मोर रायपुर आना जाना रहा है कॉलेज के लिए, तो मैं कभी टाइम नहीं निकाल पाते रहे अपन पर्सनल पर, तो कहीं जाना है रेडी हुए हैं तो 5 मिनट पहले बना लेते हैं ऐसे, इस टाइप करी से। आप बात करो कॉलेज भी जाना होते आप मन कैसे लगातार अभी पढ़ाई भी करा थो। हाँ
ये चीज जो है आपके कॉलेज के जो है कॉलेज के जो है फ्रेंड मन देखते तो कैसे टाइप के रिएक्शन थे, कैसे आप मन लगते? मोर फ्रेंड मन बहुत सहकारी है, मोर बहुत मदद करते और वह मन मोर से जुड़ जाते बनाए बर मैं मतलब बहुत हंसी खुशी से मतलब हमन कॉमेडी वाला ज़्यादा बनाते रहे कॉलेज में। तो कभी खाली पीरियड रहा या फिर जल्दी चले जाए तो हम ना एक आध दो वीडियो मन कॉलेज में क्लासरूम में बैठ के बना लें। हाँ ये तो टिकटॉक से शुरुआत करे अपन के ओकर बाद जैसे अपन के सुपरस्टार अनुज शर्मा मनपुर ऐसी मन के साथ एल्बम भी आ चुके हैं, तो ये एल्बम के जो है सफर के शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप मतलब एल्बम मिली? निक लागे के पहली दो और एल्बम आ रही से भी मन मोर मन और ही से भी तो ऋषिराज जी मतलब पहले से बोले रही से, लेकिन मैं उस समय तैयार नहीं रहा हूँ कि मैं एल्बम करूँ करके। पर फिर इतना सब जन बोले मतलब फ्रेंड्स बना कि करना चाहिए करना चाहिए, और फिर ऋषिराज जी मोला बहुत अच्छा ऑफर दी से भी कि आप अभिनेता के साथ करे के मौका मिला थे आप मन काबर छोड़ा थो। तो फिर मैं यहाँ ओला खुशी से करे हूँ, मन माता पिता और परिवार सब मुझ साथ दी से भी, और मतलब बहुत खुशी हुई से भी कि मैं एल्बम करे हूँ तो बहुत अच्छा स्टार के साथ करे हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ और मोर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रही से। जी बिल्कुल सही बात है, आपन के ये जो एल्बम ला दर्शक मन माया दुलार दी से मिलियन व्यू गए है। हाँ ओखर अलावा जो है तो रही एल्बम के बाद आपन ला फिल्म विल्म के ऑफर मिले कि नहीं मिले? हाँ मुला फिल्म के ऑफर भी करीब 7-8 महीना पहले से मिला थे। इनफैक्ट ससुराल मूवी आया है ना करण खान के, उकर साथ भी मुला लीड में रहे बल बोले से, पर मैं उस समय अपन परिस्थिति घर के और अपन कॉलेज में व्यस्त रहूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। अभी अगर आप मतलब मिली तो तैयार हो कि नहीं उसके लिए? अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ, 2-3 दिन पहले ही मोहन सुंदरानी जी सर के भी कॉल आई रिसीवे, तो उकर साथ भी बैठक होए के प्लानिंग चला था अभी, तो अभी देखो। अभी मान के चलो टिकटॉक तो खैर बैन है, आप ना तो देखा तो ये टिकटॉक हाँ। जो बैन हो है पहला हाँ। आपके आप कैसे देखते हो? अच्छा मतलब वो है सर हमारे लिए कि वो का लगता है आप मतलब देखो हमारे गवर्नमेंट लगी से कि हमारे इंडिया के डाटा कोई ऐप के थ्रू चाइनीज में ट्रांसफ़र होते हैं, उन कुछ गलत करतम करी तो इमें कोई वो नहीं, हमारे सरकार जो करी हमर यूथ मन के भलाई के लेकर ही, तो मैं हमेशा अपन सरकार के साथ हूँ और जो भी हो इसे ठीक है मुला कोई वो कैसे फ़र्क नहीं है, काबर कि अब दूसरा भी प्लेटफॉर्म है जो मैं हमन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ के टिकटॉकर मन है जो मन दूसरा ऐप आए नया वो मन में आईडी बना के वीडियोस बनाते, पर अभी तक मैं कोई ऐप में आईडी नहीं बना हूँ, वो सिर्फ इंस्टाग्राम का अकाउंट रिस वो मैं चलाते हैं, और इंस्टाग्राम में भी मेरे काफ़ी अच्छा फॉलोअर्स है तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी अपडेट देना रहते तो मैं इंस्टाग्राम में दे देता हूँ। जी बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम में आप लगातार हम देखा रहे थे 100K आपके फॉलोअर हो चुके हैं फॉलोअर्स, और एक भी जैसे आप पोस्ट करते हो 15,000-20,000 लाइक्स मिलते हैं आप मतलब लगातार उसमें भी वो प्लेटफॉर्म में भी दर्शक मन आप मतलब जो है सपोर्ट करा थे। हाँ बिल्कुल, तो ये लग कैसे देखते हो आप मन अब टिकटॉक बैन हो बाद आप मन इंस्टा में एक्टिव हो लगातार उसमें भी वीडियो डालते रहते हो, क्या कहना चाहिए करवा? मैं अभी 2 महीने से बहुत एक्टिव नहीं रही हूँ मैं, काबर कि मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चली साबे, मैं हॉस्पिटलाइजेशन में रह हूँ मोर नाना जी हैं, तो ओकर वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कि फ़ोटोशूट करा लो या फिर वीडियोस बना लो करके, तो 2 महीने मोर आईडी एकदम बिल्कुल एक्टिव नहीं रही, जेकर वजह से शायद मोर फॉलोअर्स भी कम आने लगी से, एक दिन में कम से कम 1500-2000 फॉलोअर्स आ जाते रही से, तो अभी बहुत कम हो गए, जैसे एक दिन में सिर्फ 400-500 फॉलोअर आते रही से, तो अभी मैं फ्री हो तो अभी फिर से एक्टिव हूँ, और मैं कभी भी एक पोस्ट करता हूँ तो मोला कम से कम 80-90 से मेंशन हो जाते कि नया पोस्ट आए सिर्फ, और साथ ही साथ वो में प्यार के बात करे तो फैंस नहीं बोलो मैं फ्रेंड है मोर फैमिली हरे मन इतना सारा फैंस पेज बना डाले है वे कि मोर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आते तो सब अपन अपन फैन पेज में इस पोस्ट कर देते, तो पब्लिक मतलब जाने में बहुत आसानी होते वो चीज़, और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब इतना प्यार देते और बहुत खुश हूँ अपन फैन मन से। आप कहे हो आपके ये फैन कम आपके परिवार ज़्यादा है इसे करते हाँ, तो ये टाइप के जो है अपने परिवार वाला मन के जैसे सपोर्ट मिलते हाँ फैंस मन के कहे जाए तो हाँ, अब कहीं भी जैसे जात हो आप मन हाथ कहीं भी नहीं आप मतलब देखा तो ये तो सेल्फी ले बाद गलों का तैयार हो थोड़ी हाँ हाँ फ्रेंड्स फैंस मन आप मन के कैसे तो लगते अपन आप में? पहले तो मैं ये खुद ला महसूस नहीं हूँ दो और सामने वाले भी ला महसूस नहीं होता कि मैं यहाँ कोई स्टार हरूँ, ये सब मायने नहीं रखे और मन के हृदय मायने रखे, बहुत जन ऐसे लोग है जय चंद्राकर है मिस्टर जीनिया से बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम में मोर भाई बंधु जैसे हेबे ते मन बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब एक
पिक पोस्ट करते हो ना तो कम से कम 5-10 कमेंट तो एक जन के हो जाते हैं, तो इतना कमेंट होते कि उन बहुत बहुत प्यार करते। और बात करें सेल्फी वेल्फी के तो बहुत लोग पहचानते मैं यहाँ पे अगर ऐसे ही घर में वाले में घूमते वो भी तब भी पहचान लेते कबर कि मोर एक तो निशानी तो दे ही दे दे पहचाने पर, तो सब पहचान लेते तो आते अच्छे से बात बात करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे प्यार से रहते हैं। अभी आप मना जैसे कह जाए तो अभी लगातार एल्बम के दौर चला था हमारे छत्तीसगढ़ में, लगातार मतलब नवा नवा एल्बम आवाज जावा थे, आप मन खुद का भी प्रोडक्शन हाउस भी आप मन खोलने वाला हो, कैसे तैयारी करा था खाली कहा है तैयारी के बारे में हमारे दर्शन में लगातार। प्रोडक्शन हाउस खोले के तो बहुत टाइम से तैयारी चला था, जैसे जब टिकटॉक बैन नहीं हो रही थी तब से, काबर के रजिस्ट्रेशन तो हमने फरवरी जनवरी में ही कर ले रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन हाउस के पूरा रजिस्ट्री हो चुके हैं पूरा, तो लेकिन कुछ इशू के कारण वही मैं बिजी रहूँ, मैं ही जब खाली नहीं रहूँ तो कहाँ से सब कर पाऊँ करके, तो अभी मैं अब ले दे के खाली हूँ। और हमन हाँ बेशक हमारा खुद के प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने वाला है, जेकर नाम है काजल प्रोडक्शन हाउस, जेकर पहला एल्बम शूट भी हो चुके हैं, हमन खुद प्रोड्यूस करे हैं, और में जी इंद्रजीत बघेल और ज्योत्साना ताम्रकर कास्ट करे, और वो में सिंगिंग हमारे ऋषि राज पांडे सर जी और म्यूजिक टीम करे हैं। हाँ हमारे मोर नितान चैनल के देखिए दर्शक मतलब आप मन का संदेश देना चाहो। मैं आप सब जन ले बहुत धन्यवाद कहूँ, आप मन मुला देखूँ और आप मन के बहुत धन्यवाद, और ये चैनल में तो पहली बार इंटरव्यू दे हूँ मुला अच्छा लगा थे, और आप मन भी चैनल जरूर देखूँ, हमारे इंटरव्यू लो जरूर देखूँ, और मैं दुलार बनाए रहूँ, लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद काजल श्रीवास जी, अपन हमला अपन कीमती समय दे होते खा लिए। तो संगवारी हो ये रही समर बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के सीजी क्वीन काजल श्रीवास जी है, जो लगातार अभी नवा नवा एल्बम में अभी काम करा थे, खुद के प्रोडक्शन हाउस भी खोलने वाला है, तो उखर से हमारे गोट बात करें हमारे मोर मितान के खास कार्यक्रम हमर सगा। तो संगवारी हो हमारे ये वीडियो अगर आपने यूट्यूब में देखा तो मोर मितान के यूट्यूब चैनल आपन जरूर सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक में देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज भी आपन लाइक कर सकत हो, और साथ ही साथ हमार मोर मितान के खुद के जो है न्यूज़ पोर्टल भी है, तो मोर मितान www.mormitan.in में भी आप मन देख सकत हो गूगल में सर्च मार के। अभी के लिए मोला द विदा, आगू घलो इसने हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मल्ला हमार मोर मितान चैनल के खास कार्यक्रम हमार सगा में हमन लाए के बिल्कुल प्रयास करत रही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन CM मानिकपुरी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़, जय जोहार जय छत्तीसगढ़।